नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। तारापुर विधानसभा उपचुनाव की चर्चा पूरे बिहार में काफी जोरों पर है। कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया, रामविलास गुट के लोजपा ने उम्मीदवार दिया, एनडीए के उम्मीदवार हैं और तेजस्वी यादव ने अरुण शाह को उम्मीदवार बनाया। अरुण शाह मृदुभाषी हैं, आज मैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि अरुण शाह का बैकग्राउंड क्या है और कितने पढ़े लिखे हैं। अरुण शाह तारापुर के असरगंज प्रखंड के रहने वाले हैं और अरुण शाह काफी अच्छे स्वभाव के मृदुभाषी हैं। साथ ही साथ अरुण शाह एमए पास हैं। यही नहीं, अरुण शाह भागलपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही साथ 2020 में उन्होंने विधायक का चुनाव भी भागलपुर विधानसभा से लड़ा। यही नहीं, अरुण शाह एक सफल व्यवसायी है और बड़े व्यापारी हैं। अरुण शाह जो वैश्य जाति के हैं, तारापुर के रहने वाले हैं। भागलपुर में उनका खुद का टाटा कंपनी का शोरूम है। यही नहीं, वो अच्छे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं और साथ ही साथ वैश्य समुदाय के हैं। और तारापुर विधानसभा में कोयरी और यादव बाहुल क्षेत्र कहा जाता है। निर्णायक वोट मुसलमानों का, अन्य जातियों का भी माना जाता है। तारापुर में पूर्व में शकुनी चौधरी जीता करते थे और शकुनी चौधरी की राजनीति समाप्त हो गई, उनका डेथ हो गया। उनके पुत्र भाजपा में है, एमएलसी हैं, मंत्री हैं सम्राट चौधरी। मेवालाल चौधरी ने शकुनी चौधरी को पटकनी दिया। मेवालाल चौधरी के मृत्यु के बाद उनके पुत्र चुनाव तारापुर से नहीं लड़ रहे हैं। एक नए स्वच्छ छवि के पढ़े लिखे विद्वान सफल व्यवसायी वैश्य जाति के अरुण शाह के प्रति लोगों का विश्वास देखा जा रहा है। लोगों की धारणा है कि अरुण शाह वैश्य जाति के हैं और सफल व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं और राजनीति अनुभव भी है, पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनके झोली में अगर मत जनता की जाए तो वो एक कारगर साबित होगा और आम जनता के लिए काम करेंगे। अरुण शाह के बारे में हमने आपको बताया कि सफल व्यापारी हैं, पढ़े लिखे हैं और तेज प्रताप यादव का प्रकरण के बावजूद तारापुर में कोई असर नहीं देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव का धुआंधार प्रचार जारी है, पूर्ण रूपेण जन समर्थन प्राप्त हो रहा है राजद प्रत्याशी अरुण शाह को। पग पग पे हर जगह भव्य स्वागत तेजस्वी की जा रही है, अरुण शाह की जा रही है। रुझान से ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अरुण शाह सफल होंगे और जनता का झुकाव उन्हीं के तरफ है। वक्त रहते क्या यह परिणाम में बदल पाएगा, यह देखने योग्य बात होगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।